विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार, मी विवेक हिरवडेकर आज आपणासमोर हिंदी बोर्ड परीक्षा मार्च 2020 ची सोडवलेली आदर्श उत्तरपत्रिकेचा पार्ट 2 आपणासमोर सादर करत आहे. विभाग 2 पद्य 12 अंक. दो अ निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए. पद्यांश ध्यान से पढ़िए. एक संजाल पूर्ण कीजिए. 2 अंक. ए वस्तुएं खाली थी. नवीन प्रश्न नवीन पानावर सोडवणे. विभाग 2 पद्य 12 अंक. ए वस्तुएं खाली थी. अलमारी, पिपिया, गुल्लक, मटका, कनस्तर. 2 पद्यांश में ढूंढकर लिखिए ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न शब्द हो. 1 अंक. टीन का पीपा. 2 कमरा. 1 टीन का पीपा कनस्तर, कमरा कक्ष, शयन कक्ष. 2 वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए. 1 अंक. उन्होंने टूटी अलमारी को खोला. उन्होंने टूटी अलमारियों को खोला. 3 अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए. 2 अंक. रसोई की खाली पीपियों को टटोला. बच्चों को गुल्लक तक देख डाली पर सब में मिला एक ही तत्व खाली. कनस्तरों को मटकों को ढूंढा सब में मिला शून्य ब्रह्मांड. प्रस्तुत अंतिम 4 पंक्तियों में आयकर विभाग का छापा कवि के घर पर पड़ा. अधिकारियों ने उनके रसोई में खाली पड़े पीपों को टटोला. बच्चों का गुल्लक खोल खोल कर देखा पर उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला. सब कुछ खाली था. अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए मटकों तक को टटोला. देखा पर उन्हें सब खाली मिले. यह अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ है. निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए. 6 अंक. पठित पद्यांश ध्यान से पढ़ो. एक पद्यांश के आधार पर संबंध जोड़कर उचित वाक्य तैयार कीजिए. 2 अंक. एक जुगनू धुंध. 2 रोशनी तितली. मैं 1 2. आ एक उचित वाक्य. मैं धुंध जुगनू हूं. मैं रोशनी तितली तुम्हारे साथ हूं. 2 1 निम्नलिखित के लिए पद्यांश शब्द ढूंढकर लिखिए. 1 लोगों का समूह. 2 सीप में बनने वाला रत्न. 1 अंक. पद्यांश शब्द लोगों का समूह भीड़. सीप में बनने वाला रत्न मोती. 2 पद्यांश में आए पर शब्द के अलग अलग अर्थ लिखिए. 1 अंक. पर शब्द के अर्थ 1 पंख. 2 परंतु. 3 अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए. 2 अंक. डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली. तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो. कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में.
मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अंतिम चार पंक्तियों का सरल अर्थ, गजलकार कहते हैं कि कली अपने कर्तव्यों से विमुख हो फूल नहीं बनना चाहती, वह फूल बनने से डर रही है, तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। कली संघर्ष से डरती है, तुम्हें तो तितली के टूटे पर की भांति दिखना है, जो तितली के अथाह संघर्ष को दर्शाता है। दुनिया की इस भीड़ में एक ऐसे सच्चे चेहरे की तलाश है जो सत्कर्मों की राह पर चलते हुए दुनिया के लिए आदर्श प्रस्तुत करे, कोई उससे प्रेरित होकर उसी के दिखाई राह पर चले। मैं जैसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ, यह अंतिम चार पंक्तियों का सरल अर्थ है। विद्यार्थी मित्रांनो, हिंदी बोर्ड परीक्षा मार्च 2020 ची सोडवलेली आदर्श उत्तरपत्रिकेचा पुढील भाग अभ्यासण्यासाठी पार्ट 3 चा व्हिडिओ पहा।